हेलो माइक चेक हेलो बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है क्या वेरी गुड आफ्टरनून हेलो एवरीवन अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून चलिए बताइए फटाफट क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या चलिए बताइएगा हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून वेरी 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 गुड आफ्टरनून कैन यू हियर मी हेलो गाइस गुड आफ्टरनून क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या ऑडियो वीडियो सब एकदम परफेक्ट है क्या तो फटाफट एकदम मस्त ऑसम तरीके से पढ़ाई शुरुआत करते हैं आज की चलो बोलो फटाफट फटाफट अपना-अपना अटेंडेंस मार्क करो लाइक का बटन दबा के सो so दैट मुझे पता चलेगा कि आप लोग आ गए हो तो फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने-अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि सर आ गए हैं क्लास के अंदर चलो चलिए रॉक करते हैं फिर यस ओके लेट्स 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 स्टार्ट सो दोस्तों कल हम लोग ने बेसिक बात करी थी अबाउट डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और उसके एक्सेप्शन क्या है उसके बारे में हम लोग ने बातचीत करी थी राइट right? आज हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे दोस्तों एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा आराम से समझिएगा जो भी डाउट्स होंगे डेफिनेटली उसको पूछिएगा ठीक है ना बट पहले मुझे एकदम अच्छे से मन लगा के पूरा पूरा उसको पढ़ाने दीजिएगा ओके okay. So, अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में सो नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है क्या बच्चों सो वी आर नाउ डिस्कसिंग एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड किसकी बात कर रहे हैं बच्चा अपन अभी सो so, अब अपन बात कर रहे हैं अबाउट वॉट दी एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा समझिएगा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे ओके okay. सो वी टॉक अबाउट एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड फर्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो अपन कहते हैं कौन से गुड्स बच्चों वो हम लोग कहते हैं गिफ इन गुड्स वो हम लोग क्या कहते हैं गिफ इन गुड्स जो अब एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा अब अपन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में जो गुड्स आ रहे हैं वो है कौन से भाई वो है गिफ इन गुड्स एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा समझिएगा ओके ओके अब क्या कहते हैं एक्सेप्शन टू लॉ डिमांड में गुड्स में क्या होता है प्राइस बढ़ती है तो इनकी जो डिमांड है ना एकदम से से एक आराम से, एक दम एक दम से एक आराम से समझिएगा क्या होता है जब इनकी प्राइस बढ़ती है ना तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है और जब इनकी प्राइस जो है ना घटती है ना एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा ओके ओके अब जब इनकी प्राइस जो है घटती है ना तो इनकी डिमांड भी घटती है अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनना गिफिन गुड्स में ये हम लोग को डायरेक्ट रिलेशनशिप जो दिखता है ना इन गुड्स को हम लोग कहते हैं गिफिन गुड्स अब समझते हैं क्यों अब जैसे गिफिन गुड्स आर टेक्निकली कौन से गुड्स होते हैं वो गुड्स जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उन गुड्स को अपन क्या कहते हैं है। है है? है। से, से गुड्स okay? okay. so, है, जो टेक्निकली कौन से गुड्स होते हैं जो इनफीरियर गुड्स होते हैं उनको अपन गिफिन गुड्स बोलते हैं अब इसमें क्या होता है जब इनकी प्राइस बढ़ जाती है ना इनकी प्राइस जो अरे कुछ तो भी गड़बड़ हो गए

जब इनकी प्राइस बढ़ जाती है इसके साथ ही साथ अपन यहां पे कंपेयर करते हैं पुट इट एकदम मस्त सो so, अपन क्या देखते हैं यहां हाँ अपन यहां पे क्या देखते हैं यहां पे जो है ना कुछ लग्जरी गुड्स है या लग्जरी गुड्स के जगह अपन कहते हैं कुछ सुपीरियर गुड्स किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पे सुपीरियर गुड्स अब आप समझो जब इनकी प्राइस बढ़ जाती है और यहां पे सुपीरियर गुड्स है सुपीरियर गुड्स तो ऑलरेडी इनकी प्राइस तो कहीं ज्यादा है एकदम आराम से करना और समझना। ये मामला जो है ना बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है ना वो बढ़ गया और सुपीरियर गुड्स का प्राइस तो सुपीरियर गुड्स का प्राइस सुपीरियर गुड्स द प्राइस इज ऑलरेडी हाई प्राइस इज वॉट ऑलरेडी हाई आप समझो बात को सुपीरियर गुड्स का प्राइस तो ऑलरेडी ज्यादा ही है रहेगा ना सो so देरफोर होता क्या है कि इवन दो प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स इज इंक्रीजिंग इधर लिखता हूं इवन दो इवन दो इवन दो प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स इज वॉट इंक्रीजिंग इट इज स्टिल चीपर दैन सुपीरियर गुड्स आप समझ पा रहे इट इज स्टिल चीपर देन सुपीरियर गुड्स मतलब भले ही इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है कि अभी भी वो सस्ता है ना एज कंपेयर टू वॉट द सुपीरियर गुड्स सो इसीलिए देर फोर इंफीरियर गुड्स इंफीरियर गुड्स इंफीरियर गुड्स क्या हो जाता है इन्फीरियर गुड्स डिमांड क्या हो जाती है इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है बढ़ जाती है यह एक फर्स्ट रिलेशन आपको समझ में आया क्या सारे लिस्ट ऑफ में ये एक ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है गुड्स आपको समझना बहुत जरूरी है सो आपको ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं मतलब फर्स्ट फर्स्ट पार्ट समझ में आया क्या आपको येस yes और नो no, फटाफट बता दीजिएगा प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है ऐसा क्यों है क्योंकि उसके कंपैरिजन में जो अपने सुपीरियर गुड्स है ना बॉस उन सुपीरियर गुड्स का प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उन सुपीरियर गुड्स का प्राइस जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है आप समझो बात को तो उस वजह से क्या होता है इनपीरियर गुड्स भले ही उनकी प्राइस है तो भी वो एट दिस वेरी मोमेंट उनको वो सस्ता ही लग रहा है एज कंपेयर टू वॉर्ड सुपीरियर गुड्स देरफोर उसकी डिमांड क्या होती है उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है आई बात समझ में यस yes. अब सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है मेरा बच्चा एकदम आराम से ध्यान से सुनना सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है एकदम एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा सेकेंड सिचुएशन में प्राइस कम होती है तो इनकी डिमांड भी कम होती है अब यहां पे क्या होता है जब इनकी प्राइस कम होती है ना सो क्या होता है लेस 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 मनी 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 अब क्या होता है अब जब इसकी प्राइस कम होती है तो इसकी डिमांड क्यों कम होती है अब आप समझो एकदम सिंपल सी बात है शिफ्ट टू सुपीरियर गुड्स एज दे आर लेफ्ट विथ वॉट सरप्लस अब जब इनकी प्राइस कम हो जाती है ना तो वो कहां शिफ्ट हो जाते हैं तो वो सुपीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे ना अब कोई भी व्यक्ति जब अपने इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम हो गया है तो वो क्या सोचेगा बॉस कि भाई मैं तो ना अभी इसकी प्राइस कम हो गई है ना तो मैं थोड़ा सा ये खरीद लेता हूं बट अब मेरे पास पैसा बचा हुआ है ना तो मैं और ज्यादा इन गुड्स क्यों खरीदू ना अब समझ रहे हैं अगर मेरे पास पैसा बचता है तो मैं और ज्यादा गुड्स क्यों आई विल गो एंड लुक फॉर द सुपीरियर गुड्स ना बाबा एकदम सिंपल सी बात है ना एकदम सिंपल सी बात है ना तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाता है मेरा बच्चा यहां पे जब प्राइस कम हो जाती है ना तो यहां पे इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है बॉस इनकी डिमांड भी कम हो जाती है सो दिस इज वॉट द गुड्स विच शो द डायरेक्ट रिलेशनशिप फॉर प्राइस एंड डिमांड बराबर के नहीं इन रिलेशन टू इंफीरियर गुड्स आर कॉल्ड एस वॉट गिफिन गुड्स ये गिफिन गुड्स ऐसा नाम क्यों दिया है इसको बिकॉज दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट गिफिन क्या नाम था सर रॉबर्ट गिफिन इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति ने इसका इसकी खोज करी है आई बात समझ में तो इसीलिए इन गुड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों गुड्स में ये एकमात्र ऐसी चीज है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है आई बिलीव आपको ये कंफ्यूजन आपका सॉल्व हो गया होगा बताइए कोई क्वेरी कुछ डिफिकल्टी है क्या इसके अंदर आपको एकदम ही आसान सी बात है परफेक्ट है एकदम यस ओके परफेक्ट है चलिए So, यहां से आगे बढ़ते हैं गिफेन गुड्स होने के बाद गिफेन गुड्स होने के बाद अब अपन बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। आर्टिकल्स ऑफ़ सुनिएगाट आर डिमांडेड जस्ट बिकॉज दे द एरिस्टोक्रेटिक डिजायर टू प्रिजर्व एक्सक्लूसिवनेस ऑफ यूनिक गुड्स अब जैसे अपन कहते हैं ना आर्टिकल्स ऑफ स्नोव अपील सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट इसके अंदर सो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं स्नोब अपील की यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा अब बात कर रहे किसकी स्नोब अपील की स्नोब अपील के लिए एकदम सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं एकदम ही सिंपल एक डायलॉग आप ध्यान में रखना ऊंचे लोग ऊंची पसंद आई बात समझ में ऊंचे लोग ऊंची पसंद उनको वो प्रेस्टीज वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए एकदम आराम से ध्यान से समझना टू मेंटेन द स्टेटस टू मेंटेन द स्टेटस टू मेंटेन द स्टेटस टू मेंटेन द स्टेटस ये लोग उन चीजों को खरीदते हैं सो दैट दे हैव टू मेंटेन द स्टेटस तो यहां पे उनकी प्राइस भले ही ज्यादा होती है ना तो उनको बहुत मजा आता है इनकी प्राइस ज्यादा है ना अरे वाह यार ये तो महंगा है अपन तो बड़े लोग है तो अपन ने भाई यही खरीदना चाहिए तो भाई वो लोग क्या करते हैं वो डिमांड ज्यादा करते हैं आई बात समझ में आपको क्या हो गया आवी गुड हेलो बच्चों क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है एकदम थोड़ा बफर हो रहा था ना कि नहीं आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या दोस्तों एकदम बफर हो रहा था क्या नहीं ना ठीक है चलो गुड सो so, यहां स्टेटस जब इनकी प्राइस कम हो जाएगी ना तो वो लोग उन चीजों को प्रेफर नहीं करेंगे आई बात समझ में एकदम एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा सो so, जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल अपन किसकी बात करते हैं अपन की बात करते हैं अपना फेवरेट SRK. अब करता करता है advertisement किसका करता है? सेंट्रो कार का SRK advertisement करता है सेंट्रो कार का बट सेल्फ जो खुद यूज करता है वो यूज करता है कौन सी बी एमडब्ल्यू ऑडी फेरारी एटसेट्रा इन कार्स में वो घूमता है भाई ऐसा क्यों सर ऑब्वियसली एसआर के अगर आप समझने की कोशिश कीजिए एस आर के अगर बॉस सेंट्रो में घूमेगा तो आप ही लोग जो होंगे वो उन्हें बोलेंगे कि भाई इतना बड़ा आदमी है सेंट्रो में क्या घूम रहा है भले तो। ही वो उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहा है सेंट्रो की बट वो खुद कौन सी गाड़ी चला रहा है वो बी एमडब्ल्यू ऑडी वो एक्सपेंसिव है उसको वो स्टेटस मेंटेन करना है तो इसीलिए वो क्या करेगा उन गुड्स को प्रेफर करेगा सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट आर्टिकल्स ऑफ स्नोबील

Future expectation is such that prices will still fall further. Prices और badhengi आगे ऐसा उनका kehna है उनका फ्यूचर price एक्सपेक्टेशन ही है तो इसके लिए क्या होता है कि जब prices गिरती है तो डिमांड बढ़ती नहीं है क्यों नहीं डिमांड बढ़ती है डिमांड अपन यहां पे लिखते हैं डिमांड विल नॉट राइज इट विल नॉट राइस इट विल नॉट राइस डिमांड विल नॉट राइस क्यों नहीं राइज होगी क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई क्या हो जाएगा प्राइजेस फ्यूचर में और बढ़े और गिरेगी करके एंड प्राइस बढ़ेगी तो अभी लोग और ज्यादा बाय कर लेंगे क्यों क्योंकि उनको लगता है फ्यूचर में और प्राइजेस बढ़ेगी सो दैट इज दी पॉइंट दैट इज वी टॉक अबाउट स्पेक्यूलेशन आई बात समझ में आपको ये yes, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इस कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूशन अब बात करते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस या अपन बात करते हैं इल्यूशन अब ये जो है ना एकदम सिंपल सी बात है भाई कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और कंज्यूमर साइकोलॉजिकल इल्यूशन एकदम आराम से आप मन लगाने की मन लगा के समझिएगा बायस और इल्यूशन की बात करते हैं तो अब जैसे क्या होता है ना जो महंगा वो अच्छा ये अपने यहां एक मेंटेलिटी चलती है मतलब एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव इज़ गुड ये एक एक ऐसा साइकोलॉजी चलती है एक ऐसा एक बायस होता है लोगों का कि एक्सपेंसिव इज गुड जो महंगा है वो अच्छा है जो सस्ता है वो खराब है आई बात समझ में तो होता क्या है ना जो लोग अगर महंगी चीज है ना खरीद लेते हैं तो उनको लगता है कि महंगी चीजें ना तो बहुत अच्छी होगी क्योंकि इतना पैसा ले रहे ना वो वो बट जब कभी लोग प्राइस कम कर देते हैं ना जब कभी वो प्राइस प्राइस कम कम कर देते हैं हैं करते तो आप समझिएगा जैसे ही वो प्राइस कम करते हैं तो ना जैसे ही वो प्राइस कम करते हैं ना प्राइस कम किया ना उन्होंने तो उनको लगता है कि कही कहीं ना कहीं क्वालिटी अफेक्ट होगी उनको क्या लगता है क्वालिटी इज अफेक्टेड उनको ऐसा लगता है क्वालिटी इज अफेक्टेड ऐसा क्या है एक ऐसा इल्यूजन है लोगों के दिमाग में एक ऐसा लोगों के दिमाग में क्या आ जाता है लोगों के दिमाग में ऐसा एक थॉट आ जाता है आप समझ रहे बात को उनको लगता है कि क्वालिटी इज अफेक्टेड तो इसके लिए जब प्राइस कम हो जाती है ना तो लोग क्या करते हैं उसकी डिमांड भी लोग गिराते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ये सस्ता है तो उसकी शायद क्वालिटी अफेक्ट हुई होगी जरूरी नहीं है ना कि हर बार ऐसा हो करके बट लोगों को लगेगा ऐसे बराबर तो इसमें लोगों को अब जैसे मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको फ्री में दे रहा हूं मैं आपको सो लोगों क्या लगेगा अरे यार फ्री में पढ़ा रहा है तो भाई इतना कुछ खास नहीं पढ़ाएगा ये टाइम पास के लिए होगा ऐसा थोड़ी है भाई फ्री में पढ़ा रहा तो क्या हुआ क्वालिटी देखो ना आप एकदम मतलब सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूं अपन पूरे इंस्पायर अकेडमी की बात करो फ्री में पढ़ा रहे तो इसके ऐसे क्या हो गया ऐसा थोड़ी है कि क्वालिटी बेकार है करके क्वालिटी एक नंबर है तो यही बात है बच्चों आप समझ रहे हैं बात को सो दिस इज वॉट इज क्लियर है एकदम एकदम, एकदम, बात, बात एक right. बात है है, है सी पे हम लोग ने ये बात कर ली, consumer's psychological bias और illusion. Perfect है yes. फिर चलिए से अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी डिस्कस पूरा पूरा डिमांड अभी अपने को पढ़ना है अब यहां पे अब जो आज का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अब यहां से एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड तो अपन ने पढ़ लिया एकदम ही आसान थे परफेक्ट एकदम खलास अब यहां पर कौन सा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी बात करेंगे अभी अपन? So, एकदम आराम से, ध्यान से मन लगा के समझना वॉट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरे को आधा घंटा दो नहीं आपके इलास्टिसिटी के सारे सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया ना तो देखना नाम बदल दूंगा एकदम ऐसा क्लियर करेगा एकदम मजा आएगा एकदम एकदम ध्यान से मन लगा के सो so, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं देखिएगा मतलब ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स 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 डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड due to change in factors affecting demand the demand also changes kya aap is baat se सहमत ho due to change in factors affecting the demand the demand also changes matlab ki aap samjho हम लोग बात करते हैं इनकम है weather conditions है psychological conditions है फिर उसके बाद अपन बात करते हैं price of related commodities की बात करते हैं अपन ने बहुत सारी चीजें देखी है तो जब ये सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं तो उसके वजह से अपनी डिमांड भी चेंज होती है सिंपल सी बात है ना एकदम बट द क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज द क्वेश्चन दैट इज अन जो सवाल हम लोग को पूछना है बाय हाउ मच कितने से अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं मैं एक अगर बिजनेसमैन हूं तो आप समझने की कोशिश कीजिए अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं देखता हूं कि अरे इन चीजों के वजह से डिमांड बदलती है सही बात है ना इन चीजों के वजह से डिमांड बदलती है तो मैं उन चीजों को ध्यान में रखूंगा कि अच्छा, इसके वजह से इतनी डिमांड बढ़ेगी उन चीजों की बट सवाल यह आता है भाई हाउ मच तो ये बाय हाउ मच को जानने के लिए मतलब वो सेंसिटिविटी जानने के लिए वो सेंसिटिविटी जानने के लिए वो रिस्पांस जानने के लिए बराबर के नहीं वो response, वो सेंसिटिविटी जानने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है इलास्टिसिटी उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है मेरा बच्चा उसको अपन कहते हैं इलास्टिसिटी आई बात समझ में आपको एकदम सिंपल सी बात है ना सो so, आप समझिएगा कि अगर मेरी प्राइस चेंज हो रही है इनकम चेंज हो रही है एडवर्टीजमेंट चेंज हो रहा है बहुत सारी अगर ये चीजें चेंज हो रही है तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि उन चीजों के वजह से अगर डिमांड बदल रही है तो कितने से बदलेगी तो वो सेंसिटिविटी वो रिस्पॉन्सिवनेस अगर वो समझना है तो उसके लिए मुझे कौन पढ़ना पड़ता है कौन सा मुझे पढ़ना पड़ता है इलास्टिसिटी वाला सो so, इसके अंदर अलग अलग तरीके के इलास्टिसिटीज हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे हम बात करेंगे अबाउट विच वी विल टॉक अबाउट इज द प्राइज इलास्टिसिटी किसकी बात करेंगे मेरा बच्चा वी विल टॉक अबाउट इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी सो इज प्राइस के वजह से डिमांड में कितनी चेंज होता है कितना बदलाव आता है प्राइस के वजह से डिमांड में चेंज होने के लिए तो वो बदलाव कितना हो सकता है कितना होगा उसको फाइंड आउट करना इज नथिंग बट कॉल्ड कॉल डॉट प्राइस इलास्टिसिटी तो इसका लॉजिक क्या कहते हैं हम लोग इसको जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं प्राइस के वजह से प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है सही बात है ना एकदम सो इंग्लिश में अगर उसको कहूं तो क्या कहूं प्राइस इज द बेसिस प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग वॉट डिमांड एकदम सिंपल सी बात है ना राइट सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं बॉस प्राइस जो है ये आता है कहां बेस में और किसके बेस में आता है डिमांड के बेस में सो so, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला क्या बनता है प्राइस इज द बेस 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 तो प्राइस 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 में में आएगा 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 ना बेटा सो डिमांड अपॉन प्राइस, प्राइस so तो ये आपका जो एक दुविधा है वो आपका सॉल्व हो गया डिमांड अपॉन प्राइस सिंपल सी बात है सो इट इज डी अपॉन पी आगे इसको लेके जाए तो अपने को सिर्फ डिमांड अपॉन प्राइस नहीं अपने को तो वो चेंज फाइंड आउट करना है अपने को क्या फाइंड आउट करना है बाबू अपने को तो ये चेंज फाइंड आउट करना है कि कितने से बाय हाउ मच दैट इज़ द चेंज सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस करते हैं हम लोग बट ये जो हम लोग को चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस करना है वो कैसे हम लोग को निकालना है परसेंटेज तो अपना जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस आई बात समझ में अब सवाल ये आता है कि हम लोग ये परसेंटेज चेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं सो so भाई हम लोग परसेंटेज को चेंज के, के को कैसे फाइंड आउट करते हैं न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड ये क्या हो गया अपना चेंज इन डिमांड हो गया बट अपने को परसेंटेज चेंज निकाल देखो न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड इज वॉट चेंज इन डिमांड बट अपने को कैसा निकालना है उसको परसेंटेज चेंज निकालना है

डिवाइडेड बाय यहां पे फिर से सेम न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू व्हाट इनटू हंड्रेड खत्म हो गई बात सो so, ये अपना बन गया बाबू फॉर्मूला कितना आसान हो गया ना प्राइस इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला अपना खत्म हो गई बात सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी एकदम ही सिंपल सी बात है परफेक्ट है एकदम यस yes. अब इसका जो आंसर आएगा ना इसका जो आंसर आएगा इलास्टिसिटी इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा इलास्टिसिटी मतलब आप समझो कोई कोई फिश कोई ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी जो होगा ना एकदम आराम से ध्यान से देखो सो कोइफिशंट ऑफ इस इलास्ट्रिसिटी विल ऑल माइन एक एक सेकेंड एक सेकेंड कुछ करते हैं बाबू होल्ड 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 आएगा नेटवर्क आएगा कनेक्शन आएगा अब सही है क्या स्पीड तो एकदम खला खतरनाक है अब सही है बच्चों स्पीड देखो यार आग लगा रहा हूं इधर ए देखो अब एकदम एकदम झकास क्लियर है एकदम कैसा स्पीड है बाबू चलो ठीक है वो आज एक्चुअली मुंबई में पावर आउटेज हुआ है ना तो वो सर्वर का इशू उनका इंटरनेट वालों का है आज ऐसे लग रहा है उसने बोला भी था बट कोई बात नहीं अपन

फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी इग्नोर नेगेटिव साइन तो जब कभी आप एग्जाम में इलास्टिसिटी आप लिखोगे सो आप लिखना इलास्टिसिटी जो होगा ना वो पॉजिटिव आंसर आपने टिक करना है अगर आपको एग्जाम में कोई पूछा है मेरी बात ध्यान से सुनना अगर एग्जाम में आपको कोई पूछा है तो आपने नेगेटिव आंसर को टिक करना है बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पूछा है तो आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर करके आपने क्या करना है आपने उसको टिक करना है आई बात समझ में यस yes, सिंपल सी बात है ओके परफेक्ट एकदम ओके अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन अनलेस एंड अंटिल otherwise mentioned unless and until otherwise mentioned unless and until otherwise mentioned we calculate only price elasticity जब तक आपको जब तक आपको कुछ बोला ना जाए जब तक आपको कुछ बोला ना जाए कि कौन सी इलास्टिसिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्ट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है मतलब कोई इनकम नहीं क्रॉस नहीं मिड पॉइंट नहीं कुछ भी नहीं जब तक आपको बोलाना है तब तक आपने सिर्फ क्या करना है प्राइस इलास्ट्रिसिटी को ही आपने सॉल्व करना है ओके 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 परफेक्ट सो अब इसका जो आंसर है वो क्या क्या हो सकता है सो so, इलास्टिसिटी जो होगी ना बॉस सो इलास्टिसिटी इसकी रेंज क्या क्या होगी इलास्टिसिटी की आइए समझते हैं सो so, इलास्टिसिटी की जब बात करते हैं तो यहां पे हम लोग इलास्टिसिटी की चर्चा जो करते हैं वो क्या होगा एक इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू जीरो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन एंड इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट इसके बीच में क्या होगा इलास्टिसिटी विल बी लेस देन एंड इलास्टिसिटी विल बी वॉट ग्रेटर देन वन ये बात हो जाती है यहाँ पे इसको हम लोग इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो को हम लोग क्या नाम देते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक क्या बोलते हैं बेटा इसको इसको अपन कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक बराबर इसको अपन कहते हैं क्या बच्चों रिलेटिवली इन इलास्टिक रिलेटिवली इन इलास्टिक इसको अपन क्या कहते हैं बच्चा यूनिट इलास्टिक इसको अपन कहते हैं यूनिट इलास्टिक इसको अपन कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक और इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों इसको अपन कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक अब ये सर इसमें होता क्या है एकदम आराम से अब ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या होता है ना बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक में परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज जीरो इवन दो व्हेन देर इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब आप प्राइस क्यों ना बदल लो डिमांड में चेंज कुछ भी नहीं होना है आई बात समझो यूनिट इलास्टिक में क्या होता है जितना परसेंटेज चेंज आप डिमांड में करोगे उतना ही परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा मतलब जितने प्रतिशत आप प्राइस बदलोगे उतने ही प्रतिशत आपकी डिमांड चेंज होगी उसे अपन क्या कहेंगे उसे अपन कहेंगे यूनिट इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा ना बेटा परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद द स्लाइटेस्ट चेंज विद द स्लाइटेस्ट चेंज इन वॉट द प्राइस जरासी क्या प्राइस बदल जाएगी ना जरासी क्या प्राइस बदल जाएगी ना डिमांड चेंज होगी सो so उसे अपन कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक उसे अपन क्या कहते हैं उसे अपन कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सही बात है एकदम यस, आगे बढ़ते हैं, अब यहां से अपन क्या कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक इन इलास्टिक में क्या होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड है बट वो कम है एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस यहाँ पे क्या होगा इलास्टिक में क्या होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू परसेंटेज इन प्राइस और यहां है? So है ना मेरा बच्चा ये जो है अलग अलग टाइप के इलास्टिसिटीज है जीरो लेस देन वन ग्रेटर आई बात समझ में एंड इक्वल टू वन सही बात है एकदम सिंपल सी बात है कोई टेंशन कोई डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ते हैं यहां से अब चर्चा करते हैं इनके डायग्राम्स की अब इसका डायग्राम कैसा होगा एकदम आराम से ध्यान से सुनो इसका डायग्राम कैसा होगा परफेक्टली इन इलास्टिक का परफेक्टली इन इलास्टिक का डायग्राम ये रहा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो अब आप ये पूछेंगे कि सर ऐसा कैसा डायग्राम आ गया इसका अब देखो बाबू एकदम सिंपल सी बात है यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या क्वांटिटी और यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या प्राइस एकदम आराम से ध्यान से आप समझ लीजिएगा यहाँ पे लिखते हैं प्राइस और क्वांटिटी अब इसमें क्या होता है ना बच्चों आप समझो कि कितना भी प्राइस आप बदल लो कितना भी प्राइस आप बदल लो कितना भी प्राइस आप बदल लो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड तो चेंज होनी नहीं है मतलब आप देखो लाइन मारो ना आप देखो प्राइस 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 बढ़ी तो भी क्वांटिटी क्या है सेम लाइन मारो मतलब ढोक लो यहां लाइन मारो हाँ ठीक है ना सो so, यहां पे प्राइस कितनी ही बढ़ी तो भी क्वांटिटी आपकी चेंज नहीं होगी फिर यहां पे हम लोग क्या कहते हैं इन इलास्टिक का सो इट विल बी वॉट स्टीपर दैट इज क्लोजर टू वाई एक्सेस यहां पे आप अगर देखोगे सो so इसका होगा इलास्टिसिटी लेस देन वन अब आप ये पूछेंगे ऐसा क्यों तो आप अगर फिर से लाइन मारोगे बराबर लाइन यहां पे सो so, आपको दिखेगा क्या दिख रहा है आपको द परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर आपको मैं जूम करके दिखा दू सो so, आपको दिखेगा द परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपको समझ में आ जाएगा एकदम सही बात है करेक्ट है एकदम सो यहां परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड आई बात समझ में फिर उसके बाद अपन ये कहते हैं ये इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन ये तो दोनों में क्या हो जाएगा सेम रहेगा ये परफेक्ट फिर इसकी जब बात करते हैं अपन इसकी जब बात करते हैं सो इट विल बी वॉट ग्रेटर देन वन क्यों सर चलिए आइए फिर से देखते हैं अपन देखिए यहाँ पे ये प्राइस और ये क्वांटिटी और अगर आप यहां पे देखेंगे जरा सी प्राइस चेंज हो गई तो कितना ज्यादा क्वांटिटी में बदलाव हुआ है आई बात समझ में आपको एकदम सिंपल सी बात है परफेक्ट है सो दिस इज इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन ओवर योर एंड फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एकदम सिंपल सी बात है अब यहाँ पे ये जो है पैरल टू एक्स पैरल टू एक्स एक्सेस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट आई बात समझ में क्योंकि एक ही प्राइस लंबे समय तक चलते रहेगा सो so, ये जो है बच्चों ये उसके अलग अलग डायग्राम से है. एग्जाम में आपको ये डायग्राम के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बराबर इसमें आपको ऑप्शन में क्या क्या लिखा जा सकता है डायग्राम के लिए इलास्टिसिटी इज जीरो यहां पे हम लोग लिखेंगे इट टू वाई एक्सिस बराबर यहां पे लिखेंगे इसको अपन क्या लिखेंगे क्लोजर टू वाई एक्सिस बराबर इसको अपन लिखेंगे अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम एक्सिस बराबर और यहां पे लिखेंगे अपन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये आपको ध्यान में रखना है आई बात समझ में आपको बोलो बच्चों यस सिंपल सी बात है एकदम परफेक्ट यस सो ऐसी कुछ बात है जो हम लोग ने अभी डिस्कस करी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एकदम सिंपल है कुछ क्वेरी किसी को कुछ भी डिफिकल्टी सो ये जो है ये इसके डायग्राम्स और ये जो है ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी का सो ये जो है आप समझ लीजिएगा ये सारे सारे क्या है एकदम सिंपल सी बात है ये अलग-अलग प्राइस इलास्टिसिटीस है रियल लाइफ में आप समझने की कोशिश कीजिए रियल लाइफ में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 एंड इनफाइनाइट मतलब जो ये ग्रीन में जो है ना रियल लाइफ में इनका मिलना मुश्किल है बहुत बराबर के नहीं इट इट इज इज अ क्या बोलते हैं उसको theoretical concept है प्रैक्टिकली इसका कोई भी कहीं पे भी संबंध नहीं है इट इज वॉट अ थे कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है रियल लाइफ में जो अपने को मिलता है वो रियल लाइफ में लेस देन वन होगा या ग्रेटर देन वन होगा क्लियर एकदम परफेक्ट सो यहाँ पे ये बात हो गई अपनी किसकी प्राइस इलास्टिसिटी की राइट right? एकदम सिंपल सी बात है ओके okay. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये खत्म हो गया आपना. तो यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी मतलब ही प्राइस इलास्टिसिटी ये वाला पार्ट हम लोग ने फिनिश कर दिया ठीक है अब यहां पे अपन बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी सेकेंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे अभी अपन एवरी वन कॉन्सेंट्रेट अब अपन बात करेंगे सेकेंड टाइप की प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की प्राइज इलास्ट्रिटी खत्म अब बात करेंगे इसकी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी किसकी बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की चलो फोकस करो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी प्राइज इलास्टिटी हो गया ना प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की बात करेंगे तो इसमें अपन कहते हैं दिस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एस वॉट क्रॉस इलास्टिसिटी दिस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एस वॉट क्रॉस इलास्टिसिटी इसका लॉजिक क्या है सिंपल है बॉस एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनना प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में हम लोग क्या कहते हैं डिमांड प्राइस

price of related commodity is the basis affecting the demand of original commodity so price of related commodity is the base is the base that is affecting the demand of original commodity simple si baat hai so agar isi logic se agar apan apna fir se formula banaye इसी लॉजिक से, से, से अगर फिर अपन अपना, अपना फॉर्मूला बनाए so क्या बन जाता है यहां पे demand of original commodity divided by price of related commodity. इसको अगर अपन और आगे लेके जाए तो क्या हो जाएगा चेंज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी चेंज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इसको और लेके आगे जाए तो क्या होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी अब बस इसको अपन ने क्या करना है इसको अपन ने इलाबोरेट करना है तो अपना फॉर्मुला क्या बन जाएगा बच्चा अपना फॉर्मूला बन जाएगा न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी होल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी आई बात समझ में ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इन टू हंड्रेड

बराबर और दूसरा अपन कहते हैं कौन से गुड्स बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आई बात समझ में कौन से से बात है। एकदम आसान सी बात है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो दोनों के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो यही होगा आई बात समझ में आपको बोलो ये yes no, बोलो यस नो यस एकदम सिंपल सी बात है क्लियर एकदम राइट right. आगे सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी हो गया अब फिर बात करते हैं किसके बारे में कंज्यूमर्स इनकम के बारे में सो थर्ड so, जो है वो टाइप कौन सा है थर्ड कंज्यूमर्स इनकम कौन सा कंज्यूमर्स इनकम सो कंज्यूमर्स अब आप तो लॉजिक आपको समझ में आ गया ना इसको ही अपन क्या नाम देंगे फिर इसको ही अपन नाम देंगे एज व्हाट द इनकम इलास्टिसिटी अब आप फिर से लॉजिक क्या दोगे इसको बताइए अब फिर से यहाँ पे लॉजिक क्या देंगे इनकम बेसिस इनकम इज दिमांड इनकम इज दिमांड यही तो आप लॉजिक दे रहे हो ना कब से यही तो डिमांड so, खत्म हो गया ना बाबू एकदम ही आसान सी बात है चलिए तो फिर इसका फॉर्मूला आप खुद ही बता देंगे एकदम ही सिंपल सी बात है सो so, अपना फॉर्मूला क्या बनेगा भाई यहाँ पे अपना फॉर्म्यूला बनेगा डिमांड अपॉन वॉट इनकम सो so, इसको और आगे लेके जाएंगे तो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन व्हाट इनकम इसको और आगे लेके जाएंगे तो अपन क्या बनाएंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन व्हाट इनकम और इसको ओपन करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू इनकम 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 माइनस ओल्ड ओल्ड डिवाइडेड बाय खत्म हो गया ना फॉर्म्यूला अरे भाई इलास्टिसिटी मतलब आपके लिए क्या क्या दिक्कत वाली बात है भाई बताओ यार आप जबरन इतना टेंशन ले रहे थे मैंने कहा ना टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं सो दिस इज वॉट इज द फॉर्मूला फॉर इनकम इलास्टिसिटी खत्म हो गई ना बात

रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ये देख लिया यूनिट इलास्टिक डिमांड ये अपन ने देख लिया बराबर फिर उसके बाद वो 0 1 ये क्विक रिकैप देख लिया अब एकदम सिंपल सी बात है परफेक्ट है एकदम बोलो बस यस yes, एकदम सही जा रहे अपन फिर उसके बाद ये इनकम इलास्टिसिटी का फार्मूला देख लिया अपन ने बराबर ये क्रॉस इलास्टिसिटी का फार्मूला अपन ने देख लिया परफेक्ट एकदम ही सिंपल सी बात है खत्म हो गई बात राइट right? यस yes. अब फिर यहां पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब सवाल ये आता है अगला एकदम मस्त ध्यान से सुनना अब अगला जो सवाल है एकदम मस्त फोकस कीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चों यहां तक मैंने जितना पढ़ाया इतने पेजेस जो आपके कवर हो गए मेरे साथ एकदम मजा आया ना आपको क्लियर होना चाहिए एकदम मजा आना चाहिए है ना तब जाके भाई बात बनेगी कुछ अब अपन क्या कह रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट डिमांड अब आप समझो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की बात नहीं कर रहे हमारा फोकस क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात है हम लोग सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की बात नहीं कर रहे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा किसके ऊपर कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे समझिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ना अब आप ये पूछेंगे क्वेश्चन exactly क्या है अब आप समझो हमने देखा कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो elasticity is what less than 1 elasticity is equal to 1 elasticity is what greater than 1 elasticity is equal to infinite सही बात है ना? अपन ने देखा कि सर ये अलग अलग टाइप के इलास्टिसिटीज अपने को मिलते हैं कहीं जीरो है कहीं लेस देन वन है कहीं इक्वल टू वन है कहीं ग्रेटर देन वन है कहीं इनफाइनाइट है ऐसा अपने को दिखता है बॉस दिखता है ना अपने को हाँ सर दिखता है फिर आप ये पूछेंगे कि सर ये अगर अपने को दिखता है तो ऐसा क्यों आता है वाई रीजन सर सर किस वजह से हमको ये अलग अलग इलास्ट्रिक हम लोग को देखने मिलती है तो भाई यही हम लोग यहाँ पे टॉपिक हम लोग कर रहे हैं आई बात समझ में राइट सो यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट जो है यहाँ पे वो क्या कहता है भाई अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट किसकी बात हो रही है यहाँ पे

देखो आज अगर इसकी प्राइस कुछ कम ज्यादा हो जाती है मतलब ये जो मेरे हाथ में अभी जो स्टाइलस है अगर इसकी प्राइस कम ज्यादा हो जाती है अगर इसकी प्राइस कम हो जाती है तो मैं इसकी डिमांड करेगा ही नहीं ना और अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है तो क्या करूंगा मैं मैं इसकी डिमांड क्या करूंगा ज्यादा करूंगा तो इस बिचारे प्रोडक्ट की डिमांड किस वजह से अफेक्ट हो रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट आज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है इसके लिए हमें प्राइस की सेंसिटिविटी नजर आ रही है हमें क्या नजर आ रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी है आई बात समझ में द ग्रेटर द सब्सिट्यूटेबिलिटी एक एक चीज ध्यान में रखना चीज ध्यान में रखना जो मैं बोल रहा हूं ग्रेटर द सब्सिट्यूटेबिलिटी ग्रेटर द सब्टीटेबिलिटी ग्रेटर ग्रेटर वुड बी

तो इन दोनों का और ये कोई मतलब सब्सिट्यूट भी है क्या ये अगर सर पेन की प्राइस कम होगी तो फोन की डिमांड पे कुछ इंपैक्ट होगा क्या नहीं तो जब टू गुड्स आर अनरिलेटेड बराबर मतलब ही यहां पे क्या कहता हूं इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू इधर इनफाइनाइट और uh, क्या कहते हैं इलास्टिसिटी विल बी इनफाइनाइट और इलास्टिसिटी विल बी वॉट ग्रेटर देन फॉर श्योर आई बात समझ में इट विल बी ग्रेटर देन फॉर श्योर एकदम सिंपल है बट यहां पे फिर सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं लेसर द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी लेसर द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मतलब अगर एक उसको सब्सिट्यूट नहीं कर सकते हैं लेसर द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बराबर लेसर द इलास्टिसिटी लेसर द इलास्टिसिटी आई बात समझ में लेसर दिट्यूटेबिलिटी लेसर द इलास्टिसिटी सो यहां पर इलास्टिसिटी विल बी वॉट लेस देन वन आई बात समझ में एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं वेन टू गुड्स आर अनरिलेटेड मतलब उनका कोई संबंध ही नहीं है तो यहां पे इलास्टिसिटी जो होगी इलास्टिसिटी विल बी वॉट जीरो आई बात समझ में आपको परफेक्ट है एकदम कोई कोई दिक्कत है आपको कोई भी टेंशन नहीं है सो सब्सिट्यूट अवेलेबल होना और सब्सटीट्यूट अवेलेबल होने के वजह से आप समझिएगा मेरे बच्चों इलास्टिसिटी वेरी होती है फर्स्ट yes, उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज वॉट द प्राइस अब किसकी बात करते हैं सेकंड पॉइंट यहां पे हम लोग बात करते हैं प्राइस लेवल की जिसको ही आपको एग्जाम में ऑप्शन आ सकता है एज कॉल्ड एज व्हाट प्राइस रेंज प्राइस लेवल की बात करो या प्राइस रेंज की बात करो एकदम सिंपल सी बात है ध्यान से सुनना गुड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरी एक तो क्या कहते हैं उसको एकदम चीप फिर उसको अपन कहते हैं नॉर्मल एंड देन वी टॉक अबाउट इज व्हाट वेरी एक्सपेंसिव आई बात समझ में प्राइस रेंज प्राइस लेवल गुड्स की अपन बात करते हैं ना सो एकदम सस्ते है कोई नॉर्मल है एंड देन वेरी एक्सपेंसिव बराबर अब जब हम लोग बात करते हैं कि गुड्स है ना एकदम चीप है सस्ते है तो अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा अब अगर मान लो आपका टू रुपीज फॉर अ पेन आप दे रहे हो इट इज वेरी चीप मतलब बहुत ही सस्ता है दो रुपए का पेन बराबर नाउ सो so यहां पे नाउ द प्राइस ऑफ द पेन इज वॉट रुपीज टू पर पेन आप समझने की कोशिश कीजिए इस पेन की न्यू प्राइस हो जाती है रुपीज फाइव पर पेन रुपीज फाइव पर पेन मुझे बताइए आप पेन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे आप पेन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे बताइए ना आप पेन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे आप खरीदेंगे बिल्कुल भी अब देखिए भले ही मोर देन हंड्रेड परसेंट में पेन की प्राइस में राइज हुआ है बट आप क्या बोलोगे अभी यार दो पांच रुपए से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है आप क्या बोलोगे दो पांच रुपए से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है आई बात समझ में आपको एकदम सिंपल सी बात है सो so यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है इलास्टिसिटी इज वॉट लेस देन वन यहाँ पे क्या है इलास्टिसिटी इज वॉट लेस देन वन इलास्टिस क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता पड़ताल स्टिल मेक दैट परचेज फिर अब मान लो यहां पे आप पे कर रहे हो रुपीज लेटर से फॉर अ बाइक आप कितना दे रहे हो रुपीज सिक्सटी थाउजेंड आप दे रहे हो एक आपकी बाइक खरीदने के लिए आपको एक्टिवा खरीदना है या आपको कोई भी मोपेड कोई टू व्हीलर आपको खरीदना है यू आर पेंग सिक्सटी थाउजेंड रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर बाइक है ना अब क्या हो गया गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस वगैरह इनक्रीज करे जब आप डिलीवरी लेने जा रहे थे या कुछ ऐसा और गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए और उस वजह से अब उसकी कीमत हो गई सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज पर बाइक अब आप मुझे बताइए वो पांच हजार रुपए उस बाइक की कीमत बढ़ने के वजह से आपको बाइक लेना छोड़ दो क्या? दोगे क्या अब वो बोल दोगे कैंसिल कर दोगे क्या बाइक नहीं आप बोलोगे अरे यार जहाँ साठ हजार रुपए दे रहा था अब एक्स्ट्रा पांच हजार रुपये में क्या ही फर्क पड़ेगा ऐसी बात हो so, यहाँ पे भी आप 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 समझने समझने की की कोशिश कोशिश कीजिए, कीजिए, अब खरीदने जाते थे, आप 500 रुपीज शर्ट आप खरीदते थे, खरीदते जब मॉल में गए, आपने देखा सेल लगी हुई है पांच सौ रुपए एक शर्ट आपके पास उस समय पे पैसे नहीं थे तो आप एक हफ्ते भर बाद आप वापस में पैसे लेके पांच सौ रुपए आप वही शर्ट खरीदने गए बट अब उसके ऊपर डिस्काउंट चला गया था और अब वो शर्ट आपको मिलता है रुपीज वन थाउजेंड का आपको मिलता है अब आप उस उस समय पे आप वो शर्ट खरीदेंगे क्या नहीं अब बोलते भाई पांच सौ रुपए तक ठीक था यार बट हजार रुपए नहीं इट्स नॉट वर्थ आई बात समझ में तो यहां पे आप काफी इमोशनल हो जाओगे और यहां पे शायद यू विल एंड अप नॉट बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट आई बात समझ में तो इसीलिए आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे इलास्टिसिटी इज वॉट ग्रेटर देन वन एकदम सिंपल सी बात है सो दैट इज वॉट इज द प्राइस लेवल मतलब जो प्राइस रेंज में आप आते हो बराबर उसके हिसाब से आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है मेरे बच्चों उसके हिसाब से आपकी इलास्टिसिटी वेरी होती है दिट इज प्राइस लेवल नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेसेसिटीज की चलिए चलिए फटाफट नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में आप चर्चा करेंगे आई बिलीव आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे देन वी आर डन अपना एक घंटा हो गया पता भी नहीं चला कैसे समय निकल गया राइट right? एकदम सही है सो so, नेसेसिटीज की बात करते हैं नेसेसिटीज की बात करेंगे तो भाई साहब नेसेसिटीज हमेशा इट विल बी हैविंग व्हाट नेसेसिटीज एक तो उसकी डिमांड होगी जीरो और इट विल बी व्हाट लेस देन वन इसमें तो विषय ही नहीं करना इसमें तो कुछ कुछ डाउट ही नहीं रखना इसमें क्योंकि भाई अब तुम समझो ना अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको कोरोना हो गया है और कोरोना के चलते आपको जो है ना कुछ इंजेक्शन लेना है आपको कुछ मेडिसिन लेना है या कुछ आपको दवाई लेनी है बराबर और अब तुम समझो बॉस अब तुम समझो कि आपको भाई वो महंगी मिल रही है दवाई अब आप क्या बोलोगे नहीं यार मैं मरना पसंद करेगा मैं नहीं मैं नहीं मैं लेगा वो दवाई ऐसा ऐसा थोड़ी होगा आप बोलोगे भाई कितना भी पैसा ले ले बे मेरे को वो दवाई चाहिए मतलब चाहिए उसमें विषय नहीं करना कुछ भी कुछ भी, कुछ भी भी डाउट नहीं रखना उसमें आई बात समझ में सो दैट इज वॉट वी टॉक अबाउट इज द नेसेसिटीज इसमें इलास्टिसिटी विल बी जीरो और इट विल बी वॉट लेस देन वन एकदम सिंपल सी बात है परफेक्ट है एकदम यस यार ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया बराबर तो अब अपन बात करते एक 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 कर लेते हैं एक कर लेते हैं भाई है ना एक बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की फोर्थ वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ये तो बहुत ही जल्दी निपट गया ये तो अब बात करते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड की किसकी बात करेंगे टाइम पीरियड की अब टाइम पीरियड की बात करेंगे तो बॉस इसके अंदर क्या होता है एक यहाँ पे हम लोग कहते हैं एक बात करते हैं शॉर्ट रन की और दूसरे की बात करते हैं हम लोग किस में अपन बात करते हैं एक लॉन्ग रन की एक शॉर्ट रन की बात करेंगे और दूसरी हम लोग लॉन्ग रन की बात करेंगे दो है, दो है, दो टाइम 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 है 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 फ्रेम्स शॉर्ट रन रन एंड लॉन्ग अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा अभी आप है ना एक मस्त लग्जरी कार में आप जो है ना अब घूम रहे हो है ना अरे क्या हो गया इस कार को नजर लग गई कोई बात नहीं फिर से बनाएंगे गाड़ी को अपनी तो गाड़ी है कैसी गाड़ी बनाई है आ हा सर एक नंबर अब क्या हो गया ये आपकी गाड़ी है शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं अभी जो है ना शॉर्ट रन में नाउ जब आप अभी एकदम ध्यान देना नाउ द दे प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज लेट लेटर से इट इज एट्टी पर लीटर कितना है रुपीज एट्टी पर लीटर अब इस समय पे न्यू प्राइस हो गई लेट 100 लेटर से रुपीज पर लीटर न्यू प्राइस हो गई हंड्रेड पर लीटर अब मुझे एक बात बताओ इमीडिएटली आप गाड़ी चलाना छोड़ दोगे क्या आप समझने की कोशिश करो आप इमीडिएटली गाड़ी चलाना आप छोड़ दोगे क्या नहीं आप बोलोगे भाई गाड़ी तो चलानी पड़ेगी गाड़ी तो चाहिए ही अपने को चलानी है गाड़ी तो इमीडिएटली आप पेट्रोल कंजम्पशन स्टॉप नहीं कर सकते इमीडिएटली आप पेट्रोल की डिमांड कम नहीं कर सकते आप इस समय पे क्या करोगे आप, आप गाड़ी लोगे चलाओगे इसमें कोई डाउट नहीं है सो शॉर्ट रन में आप कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते शॉर्ट रन में आप कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते तो यहां पे इट विल बी वॉट इलास्टिसिटी विल बी वॉट लेस देन शायद आप थोड़े कम ट्रिप्स करोगे नहीं घूमोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट आपकी जो इलास्टिसिटी होगी इट विल बी वॉट लेस देन वन बट अब क्या हो जाएगा इन द लॉन्ग रन इन द लॉन्ग रन आप क्या करोगे मे बी यू विल एंड अप टेकिंग अ न्यू कार बराबर जिसका सी सी लेस है क्यूबिक कैपेसिटी मतलब उसका जो पावर है वो कम है उसका जो एवरेज है वो ज्यादा है बी लॉन्ग रन में आप क्या कर सकते हो आप नई गाड़ी ले सकते हो जिसकी सीसी उसका पावर जो है वो कम हो बराबर और उसका एवरेज जो है वो एवरेज ज्यादा हो आई बात समझ में ऐसा कुछ आप कर सकते हो सही बात है ना एकदम यस सो आप समझने की कोशिश कीजिए लॉन्ग रन में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो बट शॉर्ट रन में आप एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते सो so, इसीलिए यहां पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी यहां पे लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी विल बी व्हाट ग्रेटर देन वन बट इन द शॉर्ट रन इट विल बी व्हाट लेस देन वन एकदम सिंपल सी बात परफेक्ट है एकदम भाई खलास सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द टाइम पीरियड So, यहां पे आप देख रहे हो हर जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं यहां पे अपने को अलग अलग इलास्टिसिटीज क्यों मिलती है उसका रीजन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं और वो रीजन ये ही अपने को मिल रहे हैं आई बात समझ में आपको ये यहाँ पे क्यों अलग इलास्टिसिटी मिली वहां पे क्यों अलग अलग इलास्टिसिटी मिली ऐसी बात बात है 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 सही एकदम एकदम डन ओके परफेक्ट है सो यहां तक मैंने आपको ये पढ़ा दिया है अब मैं आपको होमवर्क के लिए ना बच्चा होमवर्क के लिए देखो आपको मतलब अभी मेरे साथ तो पढ़ ही रहे हो रिविजन कर रहे है सब चीजें

इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट फटाफट डिस्कस कर लूंगा मैं आपके साथ और फिर मैं आ, क्या बोलते हैं उसको अपना टाइप्स ऑफ मार्केट उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे एंड देन विल एंड दिस चैप्टर एंड विल मूव टू द सेकेंड चैप्टर कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको कॉन्फिडेंस बन रहा है आपको फटाफट मुझे येस और नो में बता दीजिएगा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको येस एकदम सही है if you guys are enjoying these lectures make sure you share these lectures with your friends dekho sharing is caring bachpan mein sikhaya jata hai apne ko barabar and if you are finding these lectures beneficial aap pe share kar do us lecture ko kya aapko kya cost hai usko kuch bhi nahi hai But आप किसी और का भला करोगे उसका फायदा होगा उसके concepts को revise करने में भी आई बात समझ में right. so, बच्चों ये जो lectures है I believe आपको मजा आता होगा पढ़ने में डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स है ना सो so कल इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे ओके थैंक यू वेरी मच गाइज बाय